बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवियों ने डीसी बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार व उसकी अंगों को क्षतिग्रस्त करने की घटना में कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मांग की है कि 10 वर्ष की आयु से कम बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध धारा 376 में संशोधन कर सार्वजनिक स्थान पर फांसी का प्रावधान किया जाए। बजरंग दल के संयोजक तुषार डोगरा ने कहा कि ऐसे विकृत व आपराधिक मानसिकता रखने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार व उसके अंगों को काटकर उसे मौत की घाट उतारने का जो कृत्य किया गया है वो जघन्य अपराध है, जिसकी सजा उन्हें सार्वजनिक तौर से चौराहे के ऊपर लटकाकर व उनके अंगों को काटकर फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे कुकृत्य करने से पहले सोचे। तुषार डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है, चाहे गुड़िया की घटना हो या फिर हमीरपुर। इस देश के अलग अलग कोनों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर बड़ी उम्र के व्यक्तियों के द्वारा छोटी बच्चियों के साथ ऐसे आपराधिक जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर फैली हुई ऐसी कुरीतियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को इस कृत्य का अधिकतम दंड, जो कि फांसी है, इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि ताकि ऐसे जघन्य व अक्षम्य अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध फांसी की सजा दी जाए। इस नियम को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित कर एक ऐतिहासिक कानून प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए निर्मित होना चाहिए, ऐसी मांग प्रदेश सरकार से की गई है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि आने वाले विधानसभा सत्र में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस कानून को पारित करेंगे व हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के प्रति संवेदनशील होने का उदाहरण पेश करेगी। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के कांगू में 3 दिवसीय छिंज मेले का आगाज हो गया। इस कार्यक्रम का आगाज मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सौजन्य से सांस्कृतिक संध्या के रूप में किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिट ऑफ फायर के MD अमित भाटिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर अमित भाटिया ने सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांगू पंचायत प्रधान जयलाल ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न पब्लिक स्कूल कांगू के बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं स्कूल के छात्रों ने नाटक के माध्यम से देश में हो रहे भ्रूण हत्या को रोकने का परिदृश्य भी दिखाया। भ्रूण हत्या एक समाज में अभिशाप है और इसे बंद करना चाहिए, इसका संदेश बच्चों ने दिया। आपको बता दें कि कांगू में 3 दिवसीय छिंज मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छिंज का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर भारत के नामी पहलवानों ने अपनी जोर आजमाइश की और कांगू छिंज कमेटी की तरफ से नगद व इनाम राशि के अलावा गुर्ज देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित भाटिया ने प्रबंधन समिति को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हर पंचायत में किए जाने चाहिए, ताकि गांव में उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका मिले। सोलन के ठोडो मैदान में चल रही 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर भारत के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सभी टीमों को
प्रतियोगिता में एकता की भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल सभी के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि वे आज देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो उनके पास होनी चाहिए, लेकिन वे समय समय पर खिलाड़ियों की इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दिन रात खेलने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को 5 लाख की फ्लड लाइट्स प्रदान की थी, जिसकी रोशनी में आज ये मैच हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह खिलाड़ियों के हितों में वे काम करते रहेंगे।